हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बटरबल सेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोरियासिस के बारे में। कि सोरियासिस में एक ऐसे ऑयलमेंट है जो यूज़ करने से सोरियासिस, रिंग वार्म, दांत जैसे मतलब ऐसे स्किन डिजीज में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो ये बनाते हैं दोस्तों SBL कंपनी, जो होम्योपैथी में SBL कंपनी होता है वही बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल में जो नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिड क्रिशो के बारे में, एसिड क्रिशो क्रिशो के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेडिसिन सेफ होम्योपैथी में, मतलब होम्योपैथी जो मेडिकल शॉप है उसी पे मिलते हैं दोस्तों। तो आप हमारे से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये SBL कंपनी सेफ होम्योपैथी में ये बनाता है। तो इसमें क्या क्या है और कहाँ पे लगाना चाहिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो कॉन्टेंट्स रहते हैं वो होते हैं दोस्तों एसिड क्रिशो 1x 5% रहते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ है ऑयलमेंट बेस और व्हाइट पेट्रोलियम रहते हैं, पैराफिन रहते हैं और लैनोलिन रहते हैं दोस्तों। तो इसमें इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, मतलब किस किस चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे बोला, रिंगवर्म में, या तो सोरियासिस में, या तो इचिंग, एक्जिमा, थिक क्रस्ट, ये सब चीज़ों में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है। तो आप बाहर से जो जहाँ पे मतलब सोरियासिस रहते हैं, जहाँ पे आपका रिंग वार्म हुआ है, तो इस चीज़ों में आप बाहर से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक दवा भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप हमारे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो सोरियासिस जिसका हुआ है, तो उसके साथ साथ क्या में ध्यान रखना आपको जरूरी होता है दोस्तों। तो इसके लिए एक वीडियो है जो ये आई बटन में चला आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, और एक बार बता देना चाहते हो कि आपको रिंग वार्म हुआ है तो आप साबुन, जैसे साबुन, शैम्पू, ऐसे चीज़ में से दूर रहे। तो कोई कोई मैं पेशेंट आते हैं, देखता हूँ कि मतलब सोरियासिस हुआ है तो उसके साथ साथ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साबुन लगा रहे, मतलब सोप यूज़ कर रहे। उसके साथ साथ एक पेशेंट का तो मतलब कानों में हुआ था सोरियासिस, तो शैम्पू लगा रहा था, तो उस चीज़ों में वो सोरियासिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। तो उसके साथ साथ दोस्तों, आप खाना पीना जितना लाइट हो सके वो लाइट खाना पीना खाइए, क्योंकि चिकन वगैरह बहुत ही ज़्यादा रिच वगैरह खाना खाने से आपको दिक्कत आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शायद वीडियो आपका पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।